हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। और अगेन बिग प्रॉब्लम, जहां हर तरफ पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के इतने सारे केसेस आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है वो टॉप कर रहा था कोरोना केसेस में और साथ में नंबर ऑफ डेथ में। सेकेंडली, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस देखे जा रहे थे जहाँ पर ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे। चाहे आप हरियाणा की बात करो, राजस्थान की बात कर लो या फिर यूपी की बात कर लो, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिन्होंने इनको नोटिफाई भी कर दिया है और महामारी भी घोषित कर दिया है। लेकिन इन्हीं सब न्यूज़ के बीच में एक और न्यूज़ आती हुई कि बिहार के अंदर देखे जा रहे हैं वाइट फंगस के केसेस। मतलब यार, मुसीबतें जो है ना, पता नहीं क्या सोच के इंडिया की तरफ आई हैं कि एक तरफ जहां साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं दोनों तरफ से, वहीं पर इंडिया के अंदर कोरोना और कोरोना के बाद में ब्लैक फंगस और इसके बाद में अब वाइट फंगस। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि ये जो वाइट फंगस है ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, किसको किसको ये वाइट फंगस हो सकता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड कैसे हम क्योर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सेशन के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा। आज 2 बजे का क्लास आपका अनअकैडमी की जगह पे ये है, ठीक है? क्योंकि ना आज शाम को भी आपको एक क्लास मिलेगा 4:30 बजे, जिसमें मैं पूरी एक स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ इंडिया और पैलेस्तीन की, कि एक्चुअली में ये जो विवाद है ये सारा विवाद है किस मुद्दे का, ठीक है? चलिए, और हाँ, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन करना मत भूला करिए। कहाँ पे आना होता है मालूम है ना? सुबह 7 बजे कहाँ? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। चलो आप जरा समझते हैं, कुछ ऐसा सा देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि दिस इज़ व्हाट वाइट फंगस। आप कहोगे कि मैम ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि जो बिहार है वहाँ पे अभी तक ब्लैक फंगस के टोटल 22 केसेस पाए गए। कहाँ पर? एम्स पटना के अंदर, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि बहुत सारे स्टेट में पाए जा रहे थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वाइट फंगस के केसेस पाए जा रहे हैं ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई डरेगा नहीं, सबसे पहले कोई डरेगा नहीं, ठीक है? अब आप कहोगे कि मैम जो ब्लैक फंगस है बिहार के अंदर या ऑल ओवर इंडिया में, इसका तो नाम दिया गया है यहाँ पर म्यूकोर माइकोसिस, तो फिर जो वाइट फंगस है इसका नाम क्या दिया गया? तो आपको बता दें, इसका नाम दिया गया, मैं पूरी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जो इसका नाम दिया गया है कैंडिडोसिस। क्या नाम है? कैंडिडोसिस। ये वाइट फंगस का नाम दिया गया है। अब आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको ये इफेक्ट कर सकता है। देखिए, पटना के अंदर अभी हाल ही में टोटल 4 ऐसे पेशेंट पाए गए हैं जिनके अंदर आपको इसके केसेस देखने को मिले। सवाल ये आता है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये इफेक्ट कर सकता है, या फिर हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर ये अटैक कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो सिम्टम्स कोविड के होते हैं वही सेम सिम्टम्स आपको वाइट फंगस के भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं जिनके 3 टेस्ट कराए गए। आपको पता है कि जब हम कोविड की बात करते हैं तो 3 टेस्ट होते हैं, एक तो है आपका रैपिड एंटीजन, दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी और तीसरा कौन सा है? RT-PCR। इन तीनों टेस्ट के अंदर भी वो जो पर्सन है वो निगेटिव पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस बंदे की बॉडी के अंदर वाइट फंगस के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली, यहाँ पे जो बिहार की रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, इस रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया है कि जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स तो सेम है, लेकिन जब उसकी जांच करी जा रही है, जब उसके टेस्ट किए जा रहे हैं, तो तीनों टेस्ट में निगेटिव आ रहा है। समझ रहे हो? निगेटिव आ रहा है। अब सवाल ये, तो फिर पता कैसे चला? देखिए, यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला है कि इससे कुछ ना कुछ तो अलग हटके होगा। तो देखो, जैसे कि क्या होता है, जब हम कहते हैं ब्लैक फंगस, तो ब्लैक फंगस में क्या होता है, जो वायरस है वो डायरेक्टली आपके नोज के थ्रू होते हुए कहाँ पे जाएगा? आइस के ऊपर इफेक्ट करता है, राइट? और आइस के ऊपर जब इफेक्ट करता है तो आपकी जो आई साइड है वो चली जाती है, यही तो होता है। लेकिन जब हम वाइट फंगस की बात कर रहे हैं तो कहानी में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? ये जो वाइट फंगस है, जिसका मैंने अभी आपको नाम भी बता दिया, ये वाइट फंगस क्या करता है? कैंडिडोसिस, ठीक है? ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी स्किन है, आपके जो नेल्स हैं, जो किडनी है, इन सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करेगा? ये ऐसे इफेक्ट करेगा कि आपकी जो स्किन है उस स्किन के ऊपर वाइटिश यानी कि थोड़ा सा क्रीम कलर के और थोड़ा सा वाइटिश कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को नॉर्मली ऐसी दिक्कत होती है कि उनकी बॉडी के ऊपर वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, नॉर्मल सी बात है।
लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो व्हाइट कलर के पैचेस पड़ रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति को हो रहे हैं कि नॉर्मली कोई व्यक्ति चला आ रहा है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, या बच्चों में, किस में पाए जा रहे हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये इफ़ेक्ट करेगा स्किन को, नेल्स को और किडनी को, और इसके साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये किसी भी पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चे हो। बहुत बड़ा ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाता है कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अभी तो फिलहाल रिपोर्ट में बोला गया है कि हाँ ऐसे ही है, ये तीनों का इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं अगर हमने इसको अभी से कंट्रोल करने के लिए काम करना शुरू नहीं किया तो आगे चल के हमारे देश के अंदर तो ये और भी बुरी तरीके से फैल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक फंगल डिजीज़ है। दिस इज़ वॉट अ फंगल डिजीज़। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर ये चीज़ पाई गई कि जब सारे टेस्ट करा लिए गए, सारे टेस्ट होने के बाद में भी जब कोविड की दवाइयाँ दी जा रही हैं तो भी उस बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब एंटी फंगल दवाइयाँ दी गई तो उसकी बॉडी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो वाइट पैचेस पड़ रहे हैं ये एक तरीके का क्या है, फंगल डिजीज़ है। अब आप कहेंगे तो क्या मैम जो न्यूली बॉर्न है क्या उनको भी इफेक्ट होगा? यही तो सबसे बड़ा शौक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो झटका है वो यही है कि ये मेल फीमेल बच्चों में तो होगा, लेकिन जो न्यूली बॉर्न है उनके अंदर भी आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है कि वाइट कलर के स्पॉट आपके स्किन के ऊपर पड़ेंगे, लेकिन जब ये आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से किडनी को डैमेज भी कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि अगर हमारे यहाँ पे ऐसे केसेस और ज़्यादा मिलना शुरू हो गए तो किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को क्योर कर पाएंगे। अब आप कहेंगे तो फिर मैम कोई ना कोई सोल्यूशन भी बताया होगा। अच्छा, इसके अंदर सोल्यूशन ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई कोविड पेशेंट है, हाँ ये ध्यान रखना ब्लैक फंगस जो है वो भी कोविड पेशेंट में ही है और जो वाइट फंगस है वो भी कोविड पेशेंट में ही है, यानी कि कोई भी कोविड का पेशेंट है अगर वो ठीक हो चुका है उसके बाद में ही तो उसको ब्लैक फंगस हो रहा था क्योंकि उसको डायबिटीज़ की शिकायत थी। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट है अगर उसको डायबिटीज़ की शिकायत है, अगर वो कैंसर पेशेंट है, या फिर सपोज करिए उसको हाइपरटेंशन है या उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनके अंदर ये केसेस पाए जाएंगे, यानी कि वाइट फंगल उनकी बॉडी को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनिटी की बात करें तो ऑब्वियस ये चीज़ है, यहाँ पर जो न्यूली बॉर्न बेबी होगा उसकी इम्यूनिटी कहाँ अभी डेवलप हो पाएगी, तो उनके ऊपर यहाँ पे बहुत तेज़ी से इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो इस रिपोर्ट में दिया गया है वो सिंपली यही बताया गया है कि जब भी आप जाएं, मतलब किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो आपको क्या करना है, सैनिटाइज करके ही यूज़ करनी है, मतलब घुमा फिरा के जो इस्तेमाल है वो सैनिटाइज़र का ही बताया गया है, सो दैट वो बैक्टीरिया फ्री हो सके। अब आधे कहेंगे ओ माई गॉड मैम हाउ टू क्योर इट। देखो यार, चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं, वो बच्चे बदतर होती जा रही हैं, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट यू कान डू एनीथिंग। आप सिंपली सिर्फ ये कर सकते हो कि अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी आप दूसरों को भी यहाँ पे प्रिवेंट कर पाओगे। ये मत सोचो यहाँ पर कि जो चीज़ें हैं आपने अगर वैक्सीनेशन करा लिया है तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस गलत फहमी से बाहर आ जाइएगा। क्योंकि अभी आपने डॉक्टर अग्रवाल का केस देखा था, वो जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने तो दोनों ही डोज लिए हुए थे उसके बाद भी उनको कोविड हुआ, समझ रहे हो? तो ये चीज़ मत सोचिए कि भैया हमने वैक्सीनेशन करा लिया है तो हम विदाउट मास्क घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन इज़ फॉर द 50% सिक्योरिटी, समझ रहे हो? बाकी 50% जो सिक्योरिटी है वो आपको खुद ही रखनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए उस काम को करने नहीं आएगा। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी तो मैंने सोचा इसको तुरंत आपके साथ में शेयर कर दें, सो दैट आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? चलो भाई, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। अब आपसे मिलेंगे कितने बजे? शाम को 4:30 बजे। एंड हाँ, आपके जो पेड बैचेस हैं, कहोगे कि मैम क्या बात कर रहे हो यार, इतनी खतरनाक न्यूज़ के साथ में पेड बैचेस के बारे में कौन बताता है? अरे यार, वी हैव सम प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे 26 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पहले 20 से होना था बट इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। सेम विद द UPSC, यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। सेम चीज़ है, यहाँ पे आपके पास में ऑफर पे हैं और इसके साथ में कोड प्रति10 यूज़ करके आप इसमें डिस्काउंट पा सकते हो, राइट? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दैट। ऑलराइट, चलो मिलते हैं 4:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।